चलो मस्त। हाँ पकड़ो, आराम से रखना ठीक है। ये सब धूल जानते हैं कहाँ से आया, तक हम पता नहीं पहुँच पाएंगे कि नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा ना। Life in a world that keeps changing. Think that is... गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज घर की साफ सफाई करनी है और काफी दिन बाद हम घर की साफ सफाई करने जा रहे हैं और आलिया से पूछ लेते हैं, अगर आलिया मेरा हेल्प करेगी तो फटाफट हम घर की साफ सफाई कर देंगे और ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या बना है। आलिया ये क्या है? आटा। ये आटा है? हाँ। भाई ये आपने गोदा है? हाँ, मैं गोदा है। और सुनो, आपसे एक काम है। हाँ। आप मेरा काम करेंगी ना? काम जानती है क्या है? हाँ। आज घर की साफ सफाई करनी है, बहुत काम है, तो मेरा आप हेल्प करेंगी? वाह, तो चले करते हैं। हाँ ठीक है, और आलिया को हम जब भी कहते हैं ना, आलिया मेरा हेल्प करती है और मारती भी बहुत तगड़ा है। पक्का? तो गाइस आज ब्रेकफास्ट में बना है दाल चावल चोखा, और आज हम दाल काफी दिन बाद लिए हैं तो मस्त खाते हैं और फिर अपने काम पे लग जाते हैं। गाइस हम सोच रहे हैं घर नीचे से साफ करें कि ऊपर से साफ करें, क्योंकि झोले ऊपर भी लगे हैं और नीचे भी लगे हैं। देखो ये भी हमको सब साफ करना है, और आलिया मेरा कह रही थी हेल्प करने के लिए। ये देखो भाई, ये मस्त खेलने में लगी है, पता नहीं आलिया मेरा हेल्प करेगी कि नहीं। वो अभी छोटी बच्ची है, वो खेल रही है। और ये जितने आपको दिख रहा है ना, काफी दिन बाद हम आज जा रहे गाइस इस दीवार को साफ करने, क्योंकि हाँ हाँ ठीक है खेलो। ये देखो कितने झोले आए हुए हैं भाई, और चलो मस्त इसको साफ करते हैं। हम साफ करेंगे इसी झाड़ू से, इसमें बांस भी लगा है तो मस्त आसानी से ना ये छत तक पहुंच सकता है। तो आलिया आप मेरा साथ देंगी? ताओ वो खेल रही है, ऐसा करो ना आप खेलो, हम साफ कर देंगे। ये देखो भाई बहुत झोले आए यार, और अभी भी हम कन्फ्यूजन है, नीचे भी झोले हैं ऊपर भी झोले हैं, तो पहले नीचे साफ करें ऊपर से? चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखो इससे मस्त आसानी से ना साफ हो जा रहा है। वाह, ये देखो इससे एक भी झोला दीवार में आपको नहीं दिखेगा। ये देखो मस्त अच्छे तरीके से इससे ना साफ हो जा रहा है। यहाँ पर भी काफी प्लास्टिक है, डब्बे भी है, तो इन सबको निकालना है। पहले ना झोला साफ कर दे, क्योंकि आज काफी दिन बाद हम घर की साफ सफाई कर रहे हैं। और ये देखो भाई साहब बहुत ज्यादा झोले आए हैं यार। आलिया यहाँ से हट जाओ, नहीं तो झोले गिरने ऊपर से, हम साफ कर रहे हैं तो ना। ठीक है भाई मत हटो, हम तो साफ कर रहे हैं मस्त। यहाँ पर भी सामान है तो इसको भी मस्त साफ कर देते हैं। गाइस यहाँ तो हम चढ़ नहीं पाएंगे तो मुझे सीढ़ी की आवश्यकता है, और सीढ़ी है कहाँ? छत पर। चलो मस्त लाते हैं, क्योंकि वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, और सीढ़ी रहेगा तो आसानी से छोटा सा झाड़ू लेंगे और मस्त उसको हम साफ कर देंगे। बड़ा वाला बकरा और छोटी वाली बकरी मस्त यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, मुर्गी यहाँ मस्त इंजॉय कर रहे हैं। अब धूप हो रही है तो धूप में नहीं बैठ रहे हैं, छाया में बैठ रहे हैं। चलो भाई सीढ़ी लेकर चलते हैं नीचे। गाइस इसको नीचे ले जाने में ना बहुत दिक्कत होती है, सीढ़ी छोटा है नहीं, लेकिन इसको किसी तरह ले जाना पड़ेगा तभी अपना काम होगा। भाई बच गए गिरने से। चलो मस्त यहाँ लगाते हैं, और एक छोटा सा हम झाड़ू ले लिए हैं, से ना आसानी से ना हम साफ कर देंगे। सीढ़ी लगा दिया है तो अच्छे से हम यहाँ तक पहुँच गए। और भाई साहब ये देखो कितना सामान रखा है यहाँ पर, ओहो, और काफी दिन बाद इसको हम साफ करने जा रहे हैं। ये लाइट है, ये लाइट हमें लग रहा ना यहाँ की है, क्योंकि यहाँ पे भैया ना LED बल्ब लगाए हैं 0 वाट की, और ये भी बल्ब सही है। कितना गर्दा आया यार, भाई सब नीचे गिरा देते हैं यार। अरे आलिया हट जाओ, चोट लग जाएगी। क्या है वो? साफ करो, तुम भी साफ करो, वो सब अपना सामान उठाओ वहां से, बड़े बड़े कील है। आज तो हालत खराब हो जाएगी गाइस, घर की साफ सफाई, भाई घर की साफ सफाई करने में वो प्लास्टिक में पता नहीं क्या है, वहां तक तो मेरा हाथ जा ही नहीं रहा है। और सीढ़ी यहाँ से ले चलते हैं इस साइड, इस पर पता नहीं क्या होगा। चलो भाई देखो इस पर भी कितने धूल जमे हुए हैं, और ये भी बल्ब सही है। आलिया इसको पकड़ो, आलिया ये बल्ब पकड़ो, अरे टूट जाएगा, लो पकड़ो। हाँ पकड़ो, आराम से रखना ठीक है। हाँ रख दो, हाँ रख दो। ओ भाई साहब ये देखो ये सब धूल जानते हैं कहाँ से आए, जब हवा तेज बहती है तो ये पर्दा उड़ने लगता है और धूल सब आके भाई दीवार पे सब चिपक जाता है, बहुत ज्यादा धूल जमे हुए हैं। देखो ये बल्ब लगा है। हाँ हाँ आप बहुत हेल्प कर रही है मेरा भाई, ये भी साफ हो गया। इतना ही साफ करने में हालत खराब हो गई है, किचन साफ करना है अभी, बाकी सब वैसे पड़ा हुआ है, नीचे भी पड़ा हुआ है वैसे। एक भी झोला ना इस झाड़ू से बचेगा नहीं आज। दीवार पे जितने लगे हैं
सब आज साफ कर देंगे। ये मस्त साफ हो रहा है। आप मेरा हेल्प कर रही हैं कि आप खेल रही हैं? आप सिर्फ कह रही हैं कि चाची मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर रही हैं। आप सिर्फ मस्त खेलने में लगी हैं। देखो ना। दिखाओ, साफ कर रही हो। यहाँ कुछ लगा? यहाँ तो कुछ नहीं है। भाई बहुत झोले आए हैं। ये देखो, वो दीवार में चिपक गया, निकल ही नहीं रहा है, लेकिन उसको साफ कर देंगे। साफ हो गया और आँख में पड़ रहा है भाई। हाँ, आप कुछ कर ही नहीं रही है तो आपके हाथ में कहाँ से पड़ेगा भाई। ये झाड़ू काफी वजन है भाई, यहाँ इतना वायर है। यहाँ पर भी झोले काफी आए। वो भाई यहाँ बॉल है, बॉल गिर जा भाई। स्टेबलाइजर पे ना बॉल है, वो पता नहीं गिरेगा कि नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ क्या है वो? बॉल है, बॉल गिर जा। अबे गिर गया यार। अरे रुको भाई, ओ गिर गया, गिर गया बॉल। ले लो आलिया, बॉल उठाओ। हाँ, आपका है। आप कह रही है कि बॉल नहीं है और बॉल गिर गया, तो कह रही है वो हमारा है। ओ भाई, ओहो, हाथ दर्द करने लगा। शायद ही आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसमें ना थोड़ा अंधेरा है। और ये देखो, और झोले भी ना बिल्कुल पतले पतले हैं। ये देखो भाई, दीवार पे सब चिपक गए हैं। ऐसा लग रहा है गाइस हम मिट्टी पे झाड़ू लगा रहे हैं। ये देखो, अबे लाइट कट गई, इन्वर्टर ऑन कर दी। कोने कोने में सब झोला लगा हुआ है। अबे सब बिस्तर पे गिर रहा है भाई, यहीं हम सोते हैं गाइस। ये इतना वजन है कि एक हाथ से उठाने में हालत खराब हो जा रही है। थोड़ा हल्का होता या सिर्फ ये सिंगल झाड़ू होता तो मस्त साफ करते, लेकिन ये सिंगल होता और ये बांस नहीं होता तो हम छत तक नहीं पहुंच पाते झोला साफ करने के लिए। ये बांस है तो आसानी से हम छत तक पहुंच जा रहे हैं। भाई साहब उस कोने में देखो कितना सारा झोला है, लेकिन आपको ना बहुत कम दिख रहा होगा क्योंकि झोले इतने पतले हैं और ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन दीवार में सब चिपका हुआ है। यहाँ तक हम पता नहीं पहुँच पाएंगे कि नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा ना वहाँ तक तो कम से कम साफ कर दे। चलो भाई इधर, इधर भी हल्का हल्का है। हाँ चलो भाई, मास्क इधर भी हो गया, यहाँ तो हो गया। और अब चलते हैं नीचे। गाइस नीचे जा रहे हैं और किचन भूल गए, पहले किचन भी मस्त साफ कर दें तब जाएंगे नीचे। भाई ये देखो यहाँ, यार पता नहीं ये छत पे क्या हो गया है। किचन में झोले कम आए हुए हैं तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हल्का हल्का बस साफ कर दें। जीने पे भी झोला है यार, आज लग रहा ना झोला इतनी छूटेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो यार छूट ही जाएगा। और ऊपर से नीचे तक हम कहाँ कहाँ अकेले साफ करेंगे भाई, जहाँ तक हमसे हो रहा है वहाँ तक भाई हम साफ करेंगे। चलते जाओ, साफ करते जाओ। सबसे मेहनत अब करना है मुझे नीचे, क्योंकि यहाँ पर काफी झोले लगे हैं। चारों तरफ आपको झोले ही झोले नजर आ रहे हैं भाई, देखो कितने झोले गिर रहे हैं नीचे। ये झोले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे। लेकिन अगर डेली साफ हो ना तो झोले नहीं आएंगे। अब काफी दिन बाद हम साफ कर रहे हैं तो झोले आ ही जाएंगे। कितना झोला है, यहाँ नीचे है तो पीसीएम हो रहे हैं और झोला मस्त साफ हो रहा है। गिरना मत। चलो मस्त हो गया। ओ भाई साहब, इस रूम में तो यार और ज्यादा झोले हैं। हमें लगा था कि इस रूम में झोले नहीं होंगे, लेकिन काफी झोले हैं। फटाफट इसको भी साफ कर दें। ओ माय गॉड, ये बल्ब लटक क्यों रहा है भाई, इसमें होल्डर ही नहीं है। और हम आ गए गाइस मस्त बाहर। यहाँ तो और झोले हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत हमको यहाँ करनी है, क्योंकि यहाँ देखो कितने सारे झोले आए हैं। वो देखो भाई, जहाँ कम कम झोला है पहले वहाँ साफ कर देते हैं। जहाँ साफ हो रहा है ना तो कितना मस्त दीवार लग रहा है। ये पता नहीं कौन सा झोला है जो छत में चिपका हुआ है, इसमें थोड़ा ताकत लग रहा है। वहाँ जाने के लिए मुझे सीढ़ी लाना पड़ेगा, लेकिन सोच रहे हैं अगर ये वहाँ तक पहुँच जाएगा तो मुझे सीढ़ी नहीं लाना पड़ेगा। कोशिश कर रहे हैं कि यहीं से हम साफ कर दें, क्योंकि आसानी से पहुँच तो जा रहा है भाई वहाँ तक ये बड़ा सा झाड़ू। अब ये ना हम हफ्ते में साफ करेंगे झाड़ू। देखो कितने झोले आ गए,
तो इसको ना यहाँ हम झाड़ देते हैं पहले, ये झाड़ू से निकल भी नहीं रहा है। फाइनली जितने झोले लगे थे दीवार पे और छत पे मस्त हमने साफ कर दिए, और अब देखो कितना मस्त लग रहा है, दीवार एकदम क्लीन हो गया फ्रेश, और छत में भी जितने झोले लगे थे वो भी मस्त साफ हो गए। अब सोच रहे ना कि हफ्ते में ये सब हम साफ करेंगे तो झोले नहीं लगेंगे। चलो मस्त हो गया भाई, और हालत खराब हो गई है। अभी नीचे की जितने रूम है वो हमने नहीं साफ किए, अभी ये सिर्फ बाहर बाहर का हमने साफ किए, तो इतना में ही हालत खराब हो गई है, लेकिन मजा आ गया भाई साफ करके। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब करना, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।